अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज एक और दिन एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर। तो आज की सबसे पहली हमारी एक्टिविटी है, गर्मियों के हवाले से, गर्मी काफ़ी हो गई है तो एसी लगवाना है। तो एसी की जगह ये है, बस अभी ये जो हमारे एसी टेक्नीशियन है उनको बुला लिया हमने, तो वो आने वाले हैं। कल हम एसी उठा के ले आए थे, ये आउटर पड़ा हुआ है और जो हमारा इनर है वो पड़ा हुआ है ऊपर, तो कल उठा के ले आए थे अपना। तो आज इंशाल्लाह ताला भी थोड़ी देर तक वो पहुंच जाएंगे, इसकी फिटिंग करने वाले, तो उसको आज लगवाते हैं ताकि कोई ना कोई गर्मी के हवाले से फिर अपना थोड़ा सा माहौल को चेंज किया जाए। तो फ्रेंड्स, अभी टेक्नीशियन जो है वो फिटिंग वाला जो है वो आ गया, अयान गया लेने के लिए उन्हें, तो बस जैसे ही आते तो हम उसका काम शुरू करते हैं। भाई ये भी मैंने इनर जो था वो उतार लिया है, तो बस इसको भी खोलते हैं देखते हैं। लास्ट टाइम जब उतारा था हमने उसको फिर पैक करके रख दिया था। यार सीढ़ी नहीं मिल रही है, यहाँ सीढ़ी में लगा के आए थे। अच्छा, क्यों जी, इम्तियाज हो जाएगा दोबारा। बेहतरीन काम हो गया, उनको ये लाइट चाहिए थी ना, इसी को कर लेकिन हमारा वो सीढ़ी वाला मसला हल नहीं हुआ। क्यों नहीं सीढ़ी? नहीं सीढ़ी नहीं मिली तो मैं पता करके आऊं कहां से? एक सेकंड, अच्छा बात करता पता करके। यहां पर भाई अपना पैमाइश ले रहे हैं आउटर लगाने के लिए, ब्रैकेट्स के लिए, क्योंकि इन ब्रैकेट्स के ऊपर आउटर रखना है। साथ के साथ सफाइयाँ भी शुरू हो गई, क्योंकि सफाई अगर हम नहीं करते तो वो नीचे जो ईंट के ज़र्रे गिर गए वो सारे पैरों में चुभ रहे थे, और जो मिट्टी थी जो उसका ईंट का भूरा था तो वो सारा इधर से उधर सारा फैल रहा था। सामने कारपेट था, कारपेट के ऊपर हम आना जाना था तो वहाँ पर भी उसको ख़राब कर रहा था। तो साथ के साथ हम लोगों ने सफाइयाँ भी की ताकि काम भी होता रहेगा और ये काम सिमट भी जाएगा। तो फ्रेंड्स, निशान तो ब्रैकेट्स के लगा लिए हैं, तो अब उसकी फ़िटिंग के लिए उसके बोर्ड वगैरह लगा रहे हैं, तो बोर्ड लगा के फिर इसकी जो है फ़िटिंग शुरू करते हैं। ये देखिए भाई चढ़ गए, एक तो हमारे पास सीढ़ी का मसला था लेकिन इन भाइयों ने, इन दोस्तों ने हमें इनकार नहीं किया और काम को कंटिन्यू किया, कुछ जुगाड़ लगाते रहे, टेबल्स रख लें, कुछ ना कुछ किया, परेशानी इनको बहुत हुई काम करने में, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और काम का इनकार नहीं किया। रेहान भाई साहब की नमाज कायम हो गया, तो रेहान साहब ने नमाज माशाल्लाह शुरू कर दी है, अच्छा काम भी हो जाए और नमाज से भी फ्री हो जाए। एक ब्रैकेट तो लगा लिया, दूसरे ब्रैकेट को लगाने के लिए उसकी पैमाइश कर रहे हैं, और जो पहला ब्रैकेट लगा है उसके साथ उसको चेक कर रहे हैं कि लेवल एक रहे। ये जिसका पाइप इसको वॉश बाहर करेंगे, इधर वॉश ही साफ ही है। अच्छा, नहीं ये मिट्टी वट्टी ऊपर पड़ी हुई है, ये देखें वो तो आपने किया था, वो मिट्टी सोच अभी खोली थी, कहाँ पर थी वो सब? क्या दिखा रहे, मिट्टी नहीं थी काफी उस वक्त? साफ कर दिया। कर दिया, अच्छा वेरी गुड। कहाँ धोया गया? ब्लोर मारा है। अच्छा, जिस वक्त मैं सीढ़ी का पता करने के लिए गया था तो मेरी गैर मौजूदगी में इन लोगों ने इसको सफाई वगैरह इसकी मुकम्मल कर ली थी, तो मैं जब आया तो मैं समझ गया अभी सफाई इन्होंने करनी है,
तो वो इन्होंने मुकम्मल कर लिया था और बिल्कुल साफ सुथरा चमकता हुआ इंडोर अभी आपने देखा है। तो बस ये उसकी अब तारे शारे पाए पर खींच रहे हैं अंदर। हाँ जी रिमोट हो गया यार, सेल काम कर रहे हैं ठीक है ये क्या। हाँ बस ठीक है ठीक है, लेकिन मुझे इसकी बैटरी वीक लग रही है, सुबह नए डालने पड़ेंगे सुबह। ले जी दूसरा ब्रैकेट भी लग चुका है, बस उसको बोल्ट लगा के अब उसको टाइट कर रहे हैं ताकि वो ग्रिप कर जाए अच्छी तरह और फिक्स हो जाए ताकि उसके ऊपर आउटडोर रखा जा सके। और इस दौरान यहाँ पर इंडोर को फिट किया जा रहा है, बाहर वाले बाहर का काम हो रहा है और अंदर इंडोर का काम भी चल रहा है। माशाल्लाह दोनों टेक्नीशियन कारीगर अपने काम के माहिर हैं और बखूबी अपने काम को कर रहे हैं। पैमाइशी उनको पता है कैसे है कहाँ कहाँ होल निकालना है, तो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने पिछले साल भी हमारी फिटिंग की थी एसी की और इस दफ़ा भी फिर इन्हीं को हमने बुलाया। हालांकि ये हमारे पास तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं मोटरसाइकिल पे, तो ये इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने हमें इनकार नहीं किया और इन्होंने हमें याद भी रखा और हमारा काम करने के लिए फ़ौरन पहुँच गए। पेरेंट्स एसी लग चुका है ये देखिए, सर अभी एसी नहीं लगा, अभी इनर लगा है उसका सिर्फ, अभी तो रहता है बाकी काम तो। अच्छा अच्छा तो ये देखिए ये कहाँ लगाओगे डिवाइस, इधर लगेगी कि ये ऊपर ही लगेगी, इधर ही लगाते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो तार भी थोड़ा फासला कर दो ठीक है, इधर कर लो, ये धक्का दो उसको फिर तब वो बता देता हूँ तब वो ठीक है ओके कर दे ठीक है। फ्रेंड्स तार हमारी बिजली की थोड़ी कम हो गई है, वो लेके आनी है और जो रबल बोल्ट पहले हमारे पड़े हुए थे यूज़ में वो काम नहीं कर रहे प्रॉपर, रबल बोल्ट और तार लेनी है, तो मैं जा रहा हूँ वो लेने के लिए जब तक कि बाकी बच्चे काम बाकी काम करवाते हैं। जी रबल बोल्ट भी ले आए और तार भी ले आए, ये देखो इसको लगाते हैं क्योंकि पहले जो लगाए ना रबल बोल्ट जो पहले लगाए वो तो किसी यानी ईंट पे नहीं जा सके जिसकी वजह से रबल बोल्ट तो उसको ग्रिप नहीं कर रहे वहाँ पर, इसलिए हम और लेके आए हैं, सुराख नए निकालेंगे उसके। अच्छा ये देखिए तार नए हैं, ये तार इसलिए है क्योंकि ये तार छोटी हो रही थी, ये इसलिए हम अटैच करके यहाँ लेके आएंगे क्योंकि हमने ये डिवाइस लगानी है ना इसकी, ये डिवाइस लगानी है, इस डिवाइस को लगाएंगे यहाँ पर ठीक है। तो फ्रेंड्स ये डिवाइस जो है यूपीएस डिवाइस हम लगा रहे हैं नीचे, क्योंकि पहले हमारा प्रोग्राम था ऊपर लगाने का, लेकिन ऊपर लगाने का फिर ये प्रॉब्लम था कि जब हमने इसको यूपीएस को जो कनेक्शन है वो करने के लिए हमें बार बार ऊपर उतरना चढ़ना वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था, तो तार चूँकि छोटी थी इसलिए तार तो हम ले आए और इसीलिए लाए ताकि हम डिवाइस को यहाँ नीचे लगा सकें चाहे ईज़िली हम इसका कनेक्शन लगा सकें और उतार सकें। और यहाँ पर भाई ने बोल्ट नए लगा दिए हैं, बस उनकी ये फिटिंग कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं ताकि ये टाइट हो जाए, उसके बाद आउटडोर को यहाँ पे रखते हैं और उसको फिट करते हैं। मेरी पाइप को बेंड कर रहे हैं, गोल कर रहे हैं। हाँ ठीक है जुगाड़ तो जुगाड़ होता है भाई, ये देखो अभी हमने कल एक गेम खेली तो उसके लिए जुगाड़ ये लगाया था हमने कल, ये भी जुगाड़ है, ऊपर वाइपर का डंडा है, नीचे वो कपड़े टांगने वाला उसके ऊपर हमने हैंग किया हुआ है, हमारा काम रेडी हो गया। पाकिस्तानी और तो वैसे ही जुगाड़ लगाने के माहिर है। पाइप को सीधा करना उसको बेंड करना बड़ा एक मुश्किल मरला था, जो इन लोगों ने बड़े तरीके से देसी जुगाड़ लगा के उसको बड़े आसानी से हल कर लिया और बड़ा बेहतरीन किस्म का इन्होंने अपना सिस्टम बनाया, तो इससे पाइप ख़राब भी नहीं हुआ और बेहतरीन उसमें वो गुलाई ले आए जो वो करना चाहते थे, क्योंकि पाइप ये बड़े नाजुक होते हैं
ज़्यादा ज़ोर आजमाई करना या थोड़ा सा भी सख्त हाथ लगाने से वो टूट भी सकते हैं और टूटने से अच्छा बड़ा नुकसान हो सकता है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि पिछले साल भी हमने इन्हीं से फिटिंग कराई थी और इस दफ़ा इनको बुलाने का मकसद यही था कि इन्होंने अपना काम जिस तरह पिछली दफ़ा किया था तो हमें काम अच्छा लगा था, सेटिस्फाई थे, तो इसलिए हमने इस दफ़ा बुलाया और ये काम आपके सामने है कि माशाल्लाह काम बहुत अच्छा करते हैं। और ये मैं अपने किचन की खिड़की से बना रहा हूँ क्लिप, ये देखें, ये पाइप को उसकी पोजीशन में लाने के लिए बड़े एहतियात से उसको मुसलसल तरतीब दे रहे हैं। यूपीएस डिवाइस लगाने के लिए जो पहले निशान लगाए गए थे तो वहाँ पर अभी ड्रिल से सुराख निकाल रहे हैं ताकि डिवाइस को फिट किया जा सके। सुराख करने के बाद पेच और रॉवल प्लग निकाल रहे हैं डब्बे में से और यहाँ अयान अपना काम खुश असलूबी से निभाते हुए ये अपना काम करते हुए सफाई कर रहा है ताकि साथ के साथ सफाई वाला काम भी निबड़ जाए। ये इसकी ड्रामेबाजी तो चेक करें ज़रा, ये यहाँ पर पाइप का कनेक्शन लगा रहे हैं गैस वाले पाइप्स का। और ये देखिए जी, यहाँ हेयर ब्रश गिर गया है कूड़े के डब्बे में, लेकिन ये गिर नहीं गया था, ये बाकायदा फेंक दिया गया था लेकिन अयान को नहीं पता था इसलिए उसने निकाल लिया। और यहाँ पर फिर इनर के जो कनेक्शंस हैं वो ये भाई कर रहे हैं ताकि जो काम अंदर से मुकम्मल होता है वो उसको मुकम्मल कर लें और जो काम बाहर से होने वाले हैं वो ये बाहर से इम्तियाज़ पर मुकम्मल कर रहे हैं। बिजली की तार यहाँ से आउटर के साथ जो लगानी है वो इन्होंने निकाली है और अंदर उसको इनर से कनेक्ट कर दिया। सीढ़ी ना होने की वजह से कितनी मुश्किल हो रही है, कैसे कैसे चढ़ना उतरना पड़ रहा है यहाँ से इधर इधर से इधर और ये काम हो रहा है। फिर यहाँ पर तो फ्रेंड्स इनर का जो कनेक्शन था आउटर के साथ वो यहाँ फिक्स करके इन्होंने इसको मुकम्मल कर दिया है और यहाँ से अंदर का काम बिल्कुल मुकम्मल। सीढ़ी ना होने की वजह से ये स्टूल वगैरह मुझे ऊपर से लाने पड़े, काफ़ी भारी था, ऊपर से मैं अकेला इसको लेके आया हूँ और जैसे मैं ला के लेके आया और इनको दिया है तो इम्तियाज भाई कहते नहीं जी अब जरूरत नहीं है, हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। साथ है सफाइयाँ, रियान खान और रियान दोनों लगे हुए हैं। ये आपने पहले देखा होगा नीचे सारा लाल हो गया था जब इन्होंने यहाँ सुराख किया था, तो बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, साथ लग के लगे रहे और साथ इधर सफाई करके रहे तो नीचे क्लीन हो गया। लेकिन ये कि जब काम मुकम्मल हो जाएगा इसके बाद एक जनरल सफाई होगी इस कमरे की, ना सिर्फ इस कमरे की बल्कि इधर की भी। ये देखो भाई साहब खेलने का टाइम है कोई, ये हैं ये दिखाओ जरा, ये देखा जी ये चिड़िया का खेल रहा है। सब जगह हम लोग आ जा रहे हैं, हमारे पैर गंदे मिट्टी वाले वो सब यहाँ कारपेट पे निशान वाला छोड़ रहे हैं, मिट्टी यहाँ पे आ रही है तो सब यहाँ फ्री होके इसकी सारी जनरल सफाई करते हैं। फिर
तो फ्रेंड्स आउटर रख दिया गया और उसके बाद अब जो गैस के पाइप्स का कनेक्शन है आउटर के साथ वो कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट काम अपने आखिरी मराहल में है। लीकेज चेक करने के लिए तो फ्रेंड्स कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं और डब्बी को बंद किया जा रहा है। काम ख़त्म करने के बाद जो जो औजार काम के नहीं है अब उनको पैक कर रहे हैं, साथ बिजली का आखिरी कनेक्शन चल रहा है। क्या भाई सारा रिमोट वाला स्टैंड तो ला दो, ये ला दो सामने दीवार पे, बेहतरीन है। ले जी फ्रेंड्स माशाल्लाह हर चीज़ फिट हो गई है और इसका स्विच ऑन कर दिया गया है, बस रिमोट से इसको एसी को ऑन करते हैं, देखते हैं फिर इसकी कूलिंग चेक करते हैं। ले जी माशाल्लाह एसी ऑन हो गया, 16 पे इसका भी स्टार्टिंग में सेट कर दिया गया है, ये माशाल्लाह फ्लैप ऑन हो गए इसके, तो देखते हैं कि वर्किंग इसकी अब कैसी रहती है। अभी जो सी गैस कम होती तो 30 टेम्परेचर था, ये 27 पे आ गया। 27 पे बिल्कुल, दरवाज़ा बंद किया था टेम्परेचर डाउन हो रहा है इसका बिल्कुल। गैस सब इसको हम कितने में रखा करें जब हम चला चलाते हैं? 26 में चलाया करें इसको। ले जी एसी हमारा माशाल्लाह रेडी हो गया, ये इम्तियाज भाई ने पिछले साल भी हमारा चलाया था एसी ये लाहौर में, और इस साल भी इन्होंने ही हमारा इसमें फिट किया और चलाया, और कूलिंग सर बेहतरीन माशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे जी। लेकिन ये कि आज रात सानू जंग लड़नी पड़ेगी मच्छरों नाल। हाँ जी, क्योंकि दरवाजे खुले रहे मच्छर आते रहे हैं। टिक्के लगाओ, स्प्रे लेके आओ, स्प्रे लगाओ एक मरतबा। स्प्रे कौन सा? मच्छरों वाला। वो कितना फजल लगता है? एक मिलती है वो मोइटिन लगाने के लिए, पावर प्लग के साथ ना लगाते वो है ना, पावर प्लग लगाने के लिए वो तो मॉस्पिल था। हाँ वही कह रहे पावर प्लग भी का साथ करा वो स्विच वाला एक होता नहीं। हाँ वो है, वो है, वो भी यूज किए हैं। लेकिन ओके भैया, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप भी अस्सलाम वालेकुम। ये पकड़ाओ, मैं पकड़ा तो फिर उसमें पकड़ाता हूँ। ये जो मशीन है पानी का प्रेशर तेज करती है। लो जी ये लोग तो अब तक काम करके चले गए और अब हम लोग लगेंगे अपने काम पे, मच्छरों का भी, और मच्छरों से बढ़िया यहाँ है जो सफाई करनी है अंदर। मैं नहीं करूँगा, वो फिजा के करेगी। बनता तो यही है। हाँ। कूलिंग कमाल है रहे यार खान अंदर। हाँ। मजा आ गया यार खान। पंखा बंद कर, लाइटें बंद करो। इधर वो देखो दरवाजे में दो मच्छर खड़े फिर। दो नहीं फिर रहे, बाहर बेचारा मच्छर हो रहा है। इसको तो लगाओ ना, पर्दे तो लगाओ ना यार। हाँ। ये साइड का बाहर सारा घर का इधर सारा बंद है। ठंडी ठंडी हवा है। अभी एसी लग चुका है, बहुत ठंडक है, आप देख सकते हैं। हमने पर्दे लगा लिए बाबा, अभी पर्दे लगा लिए, अभी ये है और यहाँ पे हमारा एसी फुल ठंडी हवा है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए जरा इतना अच्छा लग रहा है हमारा एसी। अभी तो हमने सारी सफाइयाँ करनी है, बाहर से अंदर आ गई, लेकिन रिमोट लगा हुआ यहाँ पे, तो अभी बाहर की सफाइयाँ करनी, इधर की करनी है, सारा घर नीचे पड़ा। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले व्लॉग में, तो अभी के लिए मेरे चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ जी, मिलेंगे अगले व्लॉग में, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।